तौबा, क्रिस हेम्सवर्थ के साथ मैड मैक्स की फिफ्थ मूवी आने वाली है, पर ये फ्रेंचाइज अपने चार मूवी और एक गेम के बाद भी एक क्वेश्चन फैंस के दिमाग में छोड़ के जाती है, ये पूरी फ्रेंचाइज डिस्टोपियन एरा में ही क्यों है? क्या हुआ इधर? हर तरफ डेजर्ट ही क्यों दिखता है? कोई बिल्डिंग्स क्यों नहीं है? जिस पर डायरेक्टर जॉर्ज मिरल का ही इस पर एक्चुअल आंसर देना है कि भाई जब ओरिजिनली इस मूवी को बना रहे थे तो उसे एक एक्शन मूवी होने वाला था, पर बजट उनके पास इतना कम था क्योंकि भाई उनकी जिंदगी की पहली पिक्चर थी, तो उन्होंने क्या हिसाब लगाया कि भाई डिस्टोपिया बना देते हैं, जो सिटीज में से कार और वाले जो चेस सीक्वेंस होने वाले थे उन सबको हटाकर उन्होंने भाई पथरीले रेगिस्तान और एकदम बंजर जगह पर रख दिया। मगर फिर किस्मत देखो, ये पोस्ट एपोकलिप्टिक डिस्टोपियन दुनिया 1979 में सबको पसंद आ गई और करीबन 100 मिलियन के अराउंड इसने पैसे कमाए। और एज फन फैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये उन रेयर फ्रेंचाइज में से एक है जिसके 45 साल के बाद भी इसके डायरेक्टर को चेंज नहीं किया गया है। फ्यूरियोसा मूवी भी, जो कि भाई मैड मैक्स की पांचवी मूवी है, वो भी जॉर्ज मिलर ही डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज मिलर नेवर डिसअपॉइंट्स।